फ्रेंड्स, तो अभी मैं हूँ नरसोबावाड़ी में। आप लोगों को मैंने दिखाया है पहले वीडियो में। अभी निकले हैं ऐसे ही नाइट में थोड़ा सा मार्केट घूमने के लिए। आइए आप लोगों को भी घुमाती हूँ नरसोबावाड़ी का नाइट मार्केट। यहाँ नरसोबावाड़ी में रात के वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, क्योंकि लोकल शायद आसपास के ज़्यादा आते होंगे दर्शन करने के लिए, तो वो अपने दिन में ही और शाम को दर्शन करके निकल जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे पूर्णिमा के दिन ज़्यादा भीड़ होती है, जैसा कि हमें आसपास के लोगों से पता चला कि यहाँ पे पूर्णिमा और गुरुवार के दिन ज़्यादा फुटफॉल रहती है। देखिए फ्रेंड्स, कितने गजरे बिक रहे हैं यहाँ पर। महाराष्ट्रियन लोग गजरे बहुत लगाते हैं, तो यहाँ भी हमें जगह जगह गजरे की दुकानें देखने को मिली। आर्टिफिशियल गजरे हैं ये सारे। और महाराष्ट्र में हर जगह दाबेली और वड़ा पाव तो मिलता ही रहता है। जहाँ भी आप जाएंगे ये दो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे हमें एक और चीज़ स्पेशली मिली, यहाँ पे पूजा का प्रसाद की जगह जो पेड़े मिलते हैं वो तो है ही। यहाँ पे हर जगह बासुंदी, जो महाराष्ट्र की स्पेशल स्वीट डिश है, वो यहाँ पे बहुत हर दुकानों में मिल रही थी। और फ्रेंड्स, घूमते घूमते हम लोगों ने सोचा क्यों ना मंदिर भी दर्शन कर ले, तो हम लोग मंदिर के पास आ गए। छोटी सी एरिया ही है, तो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था हम जहाँ रुके वहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, नाइट व्यू कितना प्यारा लग रहा है मंदिर का। हम लोग मंदिर परिसर में पहुँच गए हैं और कितने भव्य तरीके से लाइटिंग से सजाया गया है पूरे परिसर को। यहाँ आउटसाइड एरिया में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं अलग अलग भगवान के। अब यहाँ से होते हुए हमें सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी, फिर मेन मंदिर आता है और मंदिर के बाद वापस कुछ सीढ़ियाँ हैं, फिर कृष्णा नदी। मंदिर पूरा कृष्णा नदी के तट पे बना हुआ है। और ये देखिए कितना प्यारा और भव्य लुक है मंदिर का, पूरा रोशनी से सजाया हुआ है। यहाँ जो ऊपर से आपको दिख रहा है औदुम्बर का पेड़, उसी के नीचे ही नरसिंह सरस्वती जी रहते थे कृष्णा नदी के तट पर, और वहीं पर ही उनका मंदिर बनवाया हुआ है। ये फ्रेंड्स, सामने आपको दिख रही है कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के तट पे ही बना हुआ है। तो आप लोग भी कर लीजिए, ये है सामने मेन मंदिर, नरसिंह सरस्वती जी के यहाँ पादुका स्थापित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें।